नमस्कार दोस्तों, ब्लैक की ओर से बहुत ही टैक्टिकल लाइन अभी चल रही है स्कैंडिनेवियन डिफेंस, जिसके वन बाय वन हमने बैक टू बैक 5 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। आज मैं आपको BB5 प्लस के बारे में, पोर्टुगीज गैम्बिट, रिसेंटली हम पोर्टुगीज गैम्बिट देख रहे हैं तो उसी के बारे में डीप में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, ये इतनी मज़ेदार ओपनिंग है ब्लैक से कि E4 अगेंस्ट आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जब इसके सारे वेरिएशन आप रेडी कर लोगे। तो सबसे शुरू करते हैं E4, D5, ED5, then Knight F6, D4 और यहाँ Bg4, F3, Bf5, Bb5 चेक, Nb7। इसके बाद हमने देखा था दोस्तों कि C4, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ G4, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। G4 और दूसरा एक सिक्स्थ मूव है वाइट के पास, Nc3, एक और भी वेरिएशन है। तो दोनों वेरिएशन के बारे में हम देखेंगे, G4 और Nc6, Nc3। यहाँ पे साइड लाइन भी है दोस्तों। पहले अगर वाइट G4 करता है तो Bg6, उसके बाद आपके पास वाइट के पास बहुत सारे साइड लाइन्स है, लाइक H4, आपके बिशप को ट्रैप करने का चांस है, लेकिन यहाँ आप H5 रिप्लाई दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अगर F4 करता है तो F4 में भी आप H5 कर सकते हो। आफ्टर F5 सिंपल बिशप H7, और उसके बाद अगर पॉन टेक्स पॉन तो बिशप टेक्स पॉन, और ये काफी स्ट्रॉन्ग जब आपके बिशप बैठता है H7 पे। तो एक ये भी लाइन है दोस्तों। अब मेन लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले E4, D5, ED5, Nf6, D4, Bg4, F3, Bf5, Bb5 चेक, Nb7 और G4। G4 के बाद Bg6 ओनली मूव है हमारे पास बचाने के लिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। बाद में ब्लैक कमबैक करता है इसमें। उसके बाद Bg6 के बाद 7th मूव वाइट अगर Nc3 खेलता है तो यहाँ नाइट सेक्रीफाइस आता है Nd5। ये एक नॉवेल्टी मूव है। ऐसे ऐसे मूव आपको स्कैंडिनेवियन के हर एक वेरिएशन में कुछ न कुछ दिखने को मिलेंगे जो व्हाइट को सरप्राइज कर देंगे। दोस्तों, Nd5, व्हाइट खेलेगा Nd5 और c6, आपको आपका पॉन जो है वो वापस मिल रहा है Nf4। यहां पे c×b5 h4 प्लेइंग बाय व्हाइट, Qc7 h5 नॉट पॉसिबल क्योंकि बिशप टेक c2, सिंपल आपको पॉन मिल रहा है। यहाँ पे व्हाइट रिप्लाई देगा c3 और यहाँ आपको काउंटर में करना है e5 के बाद पॉन टेक्स पॉन में क्वीन टेक्स पॉन चेक आता है, लेकिन व्हाइट के लिए h5 बेस्ट मूव बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम e×f4 ले लेंगे, पॉन टेक्स बिशप और उसके बाद पॉन टेक्स पॉन। तो ये पोजीशन भी ब्लैक के लिए काफी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे सारे पीसेस खुल गए हैं, डेवलप हो चुके हैं। लॉन्ग कैसल कभी भी आप कर सकते हो, आपके हाथ में कंट्रोल है। दोस्तों, G4 के अलावा Nc3 एक नॉर्मल वेरिएशन है जिसमें आपको A6 खेलना है, रिप्लाई देना है। इसके ज्यादा मूव आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर आप बहुत ही कंफ्यूज होंगे कि सर बहुत सारे लाइंस हो गए पोर्टुगीज में, लेकिन नॉर्मल जो मूव है वो आपको करना है Bg4, F3, Bf5, Bb5 चेक, Nb7, देन Nc3, नॉट G4। Nc3 में सिंपल A6, Bf4 और B5, Bb3, Nb6 और आपका पॉन रिकवर हो रहा है आराम से। Nge2 रिप्लाई देगा व्हाइट, Nf×d5 मारिए या b×, पर मैं सजेस्ट करूंगा f×d5 इज गुड। आफ्टर Nd5 अगेन Nd5,
यहाँ पे गेम सिंपल हो जाएगी और ब्लैक के लिए काफी अच्छा है कि अगर ब्लैक पीसेस से आप हायर रेटेड के सामने गेम ड्रॉ करते हो तो भी आपके लिए काफी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गई आपकी BB5 वाली जो लाइन थी वो कंप्लीट, Bf5 देन G4। अब मैं बताऊंगा फिफ्थ मूव में G4। दोस्तों फिफ्थ मूव और सिक्स्थ मूव में G4 में बहुत डिफरेंट है। फिफ्थ मूव में G4 पोर्टुगीज में और सिक्स्थ मूव में G4। सिक्स्थ मूव में G4 करने से सैक्रिफाइस आता है, वो भी दिखा देते हैं। पहले मैंने वीडियो में बता दिया है E4 D5 D5 Nf6 देन D4 Bf4 F3 Bf5 उसके बाद C4 और E6 उसके बाद G4 अगर आता है तो यहाँ पे खास ध्यान रखो दोस्तों, क्वीन का जो डायगोनल है खुल चुका है तो यहाँ पे सेक्रीफाइस आएगा। लेकिन अगर C4 के सिवाय इसी पोजीशन में अगर डायरेक्टली फिफ्थ मूव में G4 होता है तब सेक्रीफाइस नहीं आएगा, क्योंकि क्वीन की लाइन ओपन नहीं है। और सेक्रीफाइस करने के बाद के मूव मैंने आपको बताए थे, और जिसने नहीं देखा है इससे 4 या 5 वीडियो पहले का वीडियो देख लें। यहां पे G4 के बाद आपको रिप्लाई देना है Bf6 डायगोनल कंट्रोल करके। अब C4 करेगा वाइट, नहीं किया तो फिर Nxd5 सिंपल आप पॉन रिकवर कर रहे हो। तो C4 यहां, इसके बाद E6 खेलना है। यहां पे सिक्स मूव में एक और भी लाइन है कि C4 के अलावा वाइट चेक भी दे सकता है, जिसे साइड लाइन कहते हैं। बहुत कम लोग ऐसा खेलते हैं, इसलिए मैंने साइड लाइन में रखा है। यहाँ पे आप C6 रिप्लाई दोगे Dc6 और Nc6, और ऐसा आपका डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और कभी भी Qe5 और लाइक E6 तो बहुत सारे आपको मतलब डेवलपमेंट के बाद अच्छे से खेल सकते हो। तो चलिए देखते हैं मेन लाइन साइड लाइन से। हम साइड लाइन के मूव आप एक अलग पेंसिल से नोट डाउट कर सकते हो। Nf6 देन D4 Bg4 F3 Bf5 देन G4। अर्ली G4 है तो बिशप को G6 ले जाना पड़ेगा, उसके बाद C4। तो Bb5 चेक इतना इफेक्टिव नहीं है दोस्तों, इसमें आप C6 या नाइट बी डी सी और कुछ भी खेल सकते हो, क्योंकि डेवलप ही हो रहा है पीस। अब यहां से C4 के बाद आपको रिप्लाई देना है E6। E6 में A, B और C ऐसे तीन लाइन बनाई है मैंने, जिसमें क्वीन B3 दूसरा वेरिएशन है G5 और जो थर्ड वेरिएशन है सिंपल है Nc3 डेवलपमेंट पीसेस। क्वीन B3 में आपको रिप्लाई देना है C5 आफ्टर क्वीन इनटू B7। आप सोचोगे ये B7 का पॉन, लेकिन B7 पॉन पॉइजन पॉन है, जल्दी मारना नहीं चाहिए क्वीन से। नाइट Bd7 डेवलप हमारा होता है। अब अगर G5 किया तो रुक B8 क्वीन टेक्स A7 और नाइट H5। यहां पे देखो दोस्तों, व्हाइट आर्मी स्टिल स्लीपिंग, मतलब अभी भी व्हाइट के सारे पीस फर्स्ट रैंक पे है, और ब्लैक के नाइट बिशप नाइट रूक और क्वीन सारे पीसेस जबरदस्त एक्टिव है। तो ऐसे गेम में टैक्टिकल्स आप खेल के पॉन और पीस कभी भी रिकवर कर सकते हो, मेट भी कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिलते रहेंगे। तो ये थी हमारी G5 वाली लाइन, G4 वाली। G4 के बाद नया जो चैप्टर है हमारे पास वो है Be2 सिंपल वेरिएशन। अब Be2 इसके बारे में ये थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन है, लॉन्ग वेरिएशन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए कि क्या नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। E4 D5 E5 Nf6 D4
बिशप जी फोर। यहां तक हमने देखा कि एफ थ्री के बारे में ही सारे वीडियो थे, और अब बिशप ई टू। दोस्तों, स्कैंडिनेवियन डिफेंस, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपके सामने 60 जितने वेरिएशंस बना के तैयार करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारे 5 से 6 वेरिएशन हो चुके हैं, और वो भी अभी तक हम पोर्टुगेज में हैं। मतलब एक ही लाइन को आपको कम्प्लीटली लर्न करना है, कम्प्लीटली सीखना है, तो सभी वीडियो बिना मिस किए बार बार देखिए, और उस वीडियो को देखकर आप अपनी ऑनलाइन गेम में, टूर्नामेंट में नहीं, ऑनलाइन गेम में आपको उसका यूज करना है। आपको रेशियो निकालना है कि ब्लैक पीसेस से आप कितनी गेम जीतते हैं। कॉन्फिडेंटली शुरुआत में आप ज्यादा गेम लॉस भी होंगे, लेकिन जिस इसका जो टेक्निकल है, आपको जब पता चल जाएगा कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ से अटैक होता है, कहाँ से करते हैं, उसके बाद आप बहुत ही जबरदस्त इसमें कंट्रोल करोगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो बिशप E2 वेरिएशन के बारे में है, और सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए, और हो सके तो ग्रुप में शेयर कीजिए। अब मैं आपको एक यहाँ पे डिफिकल्ट पजल बता रहा हूँ, मतलब पूछ रहा हूँ, जिसका आंसर आपको दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पजल दोस्तों, ये पोजीशन, ये पजल आज की है पजल ऑफ द डे। व्हाई टू प्ले आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में सही आंसर मुझे लिख के देने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर बताऊंगा। अब हम हर बार की तरह एक मेरी गेम खेली हुई आपको स्कैंडिनेवियन की बताऊंगा। चलिए गेम देखते हैं। इस गेम में एज यू कैन सी, सामने जो रेटेड प्लेयर है दोस्तों 2300 और 5 रेटिंग है उसका, उसके अगेंस्ट हमने स्कैंडिनेवियन यहाँ पे थर्ड NC3 वेरिएशन में कैसे गेम विन की थी। E4, जैसे कि E4 D5 Nc3, थर्ड वेरिएशन के बारे में आगे हम वीडियो बनाएंगे। Nd5 बिशप c4, Nb6 बिशप b3, Nf6 Nf3 बिशप f5 कैसल e6 देन d4 बिशप e7। इसमें बिशप e7 काफी काम करता है क्योंकि re1 की थ्रेट है। कैसल d5 पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स क्वीन सब एक्सचेंज होने के बाद c3 इसलिए क्योंकि कभी भी उसे बिशप बाहर निकालना है तो ये पॉन जा रहा है, तो c3 रुक e8 बिशप f4। यहाँ पे बहुत सोचने के बाद मुझे ओपन फाइल उसे वापस देनी पड़ी क्योंकि c7 पॉन नहीं बच सकता, तो रुक टेक्स रुक और बाद में रुक c8 बिशप c7। दोस्तों, कभी भी आप सेक्रीफाइस करते हो तो इंटरमीडिएट मूव के बारे में जरूर देखना। यहाँ पे 2300 रेटेड प्लेयर ने भी ये मिस्टेक कर दी, बिशप सेक्रीफाइस किया। उसने देखा कि अगर मैं रुक से बिशप लेता हूँ तो रुक चेकमेट है, पर यहाँ मेरे पास एक बेस्ट मूव था Nd7। अब देखो काउंटर भी हुआ, नाइट से बिशप मर रहा है और रुक टेक्स बिशप अब हम मार सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पीस मिल रहा है। काउंटर में नाइट, यहाँ पे सिंपल नाइट इनटू बिशप, नाइट टेक्स बिशप और अगेन नाइट टेक्स बिशप, तो बैक रैंक मेट का कोई फायदा नहीं मिला व्हाइट को, और हम ये गेम बाद में आसानी से जीत सकते हैं। यहाँ पे सिंपल फॉर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर्क से क्योंकि हमें वैसे भी पीस प्लस है, तो गेम को जैसे तैसे करके सिंप्लीफाई करके बाद में हमारे लिए एकदम इजी गेम हो गई है। चेक
उसके बाद रुक से सपोर्ट, रुक से एच सेवन पॉन बचाना जरूरी था, चेक और सामने नाइट इंटरपोज और फिर अगेन चेक। नाइट टेक्स पॉन और व्हाइट रिजाइन, क्योंकि रुक टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है। नाइट फॉर्क यहां से हमें रुक मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज का वेरिएशन। जल्द ही मिलेंगे अगले वेरिएशन के साथ में। सिंपल वेरिएशन जो है बिशप ए2, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको जल्दी से अपनी पोजीशन डेवलप करके खेलना है। पर टेक्टिकल लाइन पोर्टुगीज गैम्बिट बहुत ही F3 वाले वेरिएशन खेलने में बहुत मज़ा आता है। आप भी खेल के देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे बैक टू बैक सारे ओपनिंग के वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय गुजरात।